नीचे जाते हैं, हम लोग को डराया जाता है। हमारे आस पड़ोस से आप पूछिए, हम 3 से 4 महीना। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। हम लोग इतना डराए, मगर हमारे कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसे आप डरोगे सरकार से तो कभी आप मुंह नहीं खोल पाओगे, आप लोग या तो आत्महत्या कर लोगे। हम लोग गए बनपन, हम लोग भटकते रहे, ये क्या करते थे, आप डराते थे हम लोग को आगे की तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, क्या नहीं खोलना है, कि आपको कुछ बोलना नहीं, इनकाउंटर के विषय में कुछ बात नहीं करनी है। इनकाउंटर में मुझे सब कुछ पता है कि मेरे पति की गलत तरीके से हत्या की गई है, इसका मैंने बहुत विरोध भी किया, मैंने लिखित मेरे अधिवक्ता ने भी वहाँ न्याय आयोग में भेजा, पर उसका कोई भी नहीं मुझे मिला। और दूसरे दिन मुझ पर नेक्स्ट सिम का केस लगा दिया गया। और पहले बताइए, 99% जनता, कम से कम 90% या 80% आप बोलिए, उन्हें ज्यादा कर दिया, दूसरे के सिम से बात करती है, तो क्या मैंने अपराध कर दिया? भैया कोई नहीं सुनता। चलिए हम आपको शिकायत के बारे में बता देते हैं। हमारे बिकरू गांव में जहां पर ये घटना हुई थी, वहां पे आज से 1 महीने पहले चोरी हुई। वहां के कुछ लोगों ने, बाहर के हो, स्थान के हो, मैं नहीं बता सकती कहां के, हमारे नौकर ने उसको देखा, चश्मदीद गवाह, और रिपोर्ट दर्ज कराई। 1.5 महीना हो गया है, पुलिस वहां नहीं गई, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। और जब विकास दुबे का एक भैंस को लेकर, जो बताया जाता है कि राहुल वगैरह कोई था, उसका अगर केस हुआ, 10 मिनट में पुलिस गई विकास का इंकाउंटर करने पर, तब पुलिस इतनी फास्ट थी। आज जब मैं चश्मदीद गवाह दे रही हूँ, तब पुलिस कोई नहीं सुन रही। हम लोग की न शासन प्रशासन कोई सुनना ही नहीं चाहता है। हम लोग को बिल्कुल एक दर किनारे बैठा दिया गया है कि मतलब आप विकास दुबे का परिवार है तो नथिंग, मतलब विकास की पत्नी होने की और हमारे बच्चों को ये सजा भोगनी पड़ रही। कोई शासन, कोई प्रशासन मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग भटक रहे हैं बनवन, अपनी जीविकोपार्जन के लिए इतना परेशान है, ये मान के चलिए कि हमारे खेतों में अनाज हो रहे हैं पर वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो विकास दुबे के घर में अनाज है तो वो खरीदे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री से आप रिकॉर्ड, आप ये तो समझिए कि हमको पुलिस ने ही, हमारे 13 बीघा में कब्जा हुआ था, पुलिस ने ही हमको दिलाया था। आप लोगों ने शायद सुना होगा ये कांड। न्याय दिला और डेथ सर्टिफिकेट तो बने, मैं बन बन भटक रही हूँ उसके लिए, 1.5 साल से भटक रही हूँ। रोज मुझे बुलाया जाता है और रोज भगा दिया जाता है कि बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, ये दे देगा, वो दे देगा। आप यही देखो, मेरे ऊपर एक सिंह का मुकदमा आज उसका भी आया है पेपर में, बिल्कुल फर्जी है, मुझ पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। 420 419, और ये कोई बहुत बड़ी दफा नहीं होती, ये बाहर से हो जाएगी इसकी जमानत, मगर फिर भी वो मुझको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। कुल मिला के हम लोगों को किसी तरीके से खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये चाहती है कि विकास दुबे का परिवार पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हाँ, मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा, मैं एक बार गई थी बाहर, मेरे छोटे वाले बच्चे को धमकाया, कुछ लोग आए, उन्होंने डराया धमकाया, अपनी माँ का नंबर दे, माँ कहाँ है, और काफी गाली गलौज करी, तो बच्चा डर गया, परेशान हो चुके हैं हम लोग। तब आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि मेरी कोई बात तो सुने, कहाँ जाए हम लोग, कोई नहीं। हम लोग की ईडी की जांचें लगवा रखी हैं, सिम के केस लगवा देते हैं, बच्चों का निकलना हराम है, खाने के लिए पैसा नहीं, तो बता दे तो हम लोग घर ही में आत्महत्या कर लें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।